इस बीच लगातार मंत्रिमंडल से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आ रहे हैं और एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि पंजाब में चुनाव हारे रवनीत बिट्टू भी मंत्री बन सकते हैं। मैं खास नहीं हूं, पंजाब खास है, उन्होंने ये बयान दिया। इस बीच कहा, पंजाब का विकास सरकार की प्राथमिकता है, मोदी जी पंजाब को प्यार देंगे और रवनीत बिट्टू को भी कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखो पंजाब, मैं कोई खास थोड़ी हूं, लेकिन पंजाब खास है बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए। वो खासियत उन्होंने अपनी निभा के दिखाई और पंजाब अब प्रायोरिटी है और जो जो चीजें पंजाब में उसे ठीक करेंगे। अच्छा, कंगना का केस हुआ अभी, तो आप क्या मान रहे हैं कि पंजाब किस तरफ चल रहा है यदि इस तरीके की घटना हो रही है और फिर रवनीत सिंह बिट्टू को चुनना मुख्य मंत्रिमंडल के अंदर, तो ये क्या संदेश? पंजाब सिर्फ प्यार चाहता है और कुछ नहीं। वो फैसला कर लिया है और वो प्यार बांटेंगे जाके और वो प्यार यहाँ दिल्ली सबको लेके आएंगे और प्यार मोदी जी से दिलवाएंगे, इतना है। और भंगड़ा ढोल बजना शुरू हो जाता है। पंजाब कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, वो सिर्फ वो सीधी करनी है चीजें जो वहां तक पहुंच नहीं पाई, उनके उनके घर घर कर तक वो बात पहुंची नहीं, वो पचानी है, वो मेरा काम है। अच्छा, अमित शाह ने चुनावों के दौरान ये कहा था कि भगवंत मान की सरकार पंजाब में ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, आप जिता के यहां से भेजो, इसका अर्थ क्या मान रहे हैं कि क्या बिट्टू अब पंजाब के अंदर बीजेपी को मजबूत किस तरीके देखो, से बीजेपी का जो है वो मजबूत होने का काम तो इस इलेक्शनों ने कर दिया, क्योंकि 19% हम और 23 विधानसभा जीते हैं, जहां हम अलायंस पार्टनर होते थे 23 सीटें लेते थे, आज 23 जीते हैं। तो और मेरे शहर में मैं 5 विधानसभा जीता हूं 6 में से।